क्या होगा अगर एमिवे बंटाई और हनी सिंह एक तरफ और बादशाह रफ्तार दूसरी तरफ हो जाएं? रफ्तार कुछ महीनों पहले से ही बादशाह से मिलना स्टार्ट कर दिए हैं और अभी काफी सारे अनमोल बोल भी बोले गए हैं हनी सिंह के खिलाफ, जैसे कि हनी 3.0 को फनी 3.0 और हनी सिंह की बीमारी को सर्दी जुकाम। बट हनी सिंह ने खुद बोला था कि एंजाइटी डिप्रेशन सर्दी जुकाम है और रफ्तार ने कहा कि उनको क्रेडिट नहीं मिलते थे, डोप शोप गाना उन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद हनी सिंह एमिवे बंटाई से मिले जो कि खूंखार और अकेले सबको डिस करने का दम रखते हैं। बादशाह और रफ्तार की तरफ से तो पोकिंग चालू है और वो लोग डिस गेम खेलना भी चाहते हैं हनी सिंह के साथ, बट अभी तक हनी सिंह ने डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया है। इनडायरेक्टली वे में वो भी दे रहे हैं जवाब, बट जिस दिन जवाब देंगे उस दिन वर्ल्ड की नंबर 1 बीफ बैटल स्टार्ट हो जाएगी। और क्या एमिवे बंटाई हनी सिंह के साथ हनी सिंह के लिए रफ्तार और बादशाह को डिस करेंगे या नहीं, ये आप कमेंट्स में बताइए। तो उधर से कृष्णा और कर्मा भी आ जाएंगे रफ्तार की तरफ, तो इधर से मिंटा और यंग गालिब आ जाएंगे या डिवाइन और एमसी स्टैन में से कोई आएगा। डीनो जेम्स भी काफी सपोर्ट करते हैं एमिवे को, और इक्का किसके तरफ जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। एंड गेम से भी बड़ी बैटल बन जाएगी ये, वो भी रियल लाइफ की।